हम इस वक्त लॉस एंजलिस और सैन डिएगो के बीच में एक सिटी है कार्लसबैड या कार्ल्सबर्ग व्हाटएवर कार्ल्सबैड कार वहाँ मौजूद है और इस होटल के अंदर हम ठहरे हुए हैं। इसके बाद हम जाएंगे सैन डिएगो। सैन डिएगो में मेजर अट्रैक्शन बीच ही है तो बीच पे भी जाएंगे। हर चीज़ इस वक्त सही चल रही है, कुछ बुरा नहीं चल रहा। यहाँ के लैंडस्केप और मिजोरी के लैंडस्केप में डिफरेंस है। वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ग्रीनरी अभी दिखाई दे रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे पाम ट्रीज़। लेकिन पाम ट्रीज़ कैलिफोर्निया में ज़्यादा होते हैं, मिजोरी में पाम ट्रीज़ नहीं होते। सदर्न कैलिफोर्निया में वेजिटेशन होती है लेकिन फिर उसमें आग भी लग जाती है, अगर खुश्की ज़्यादा हो तो उसमें आग लग जाती है। दिस इज़ इट, सी यू इन सैन डिएगो। कार्ल्सबैड बीच पे मौजूद है। ये पैसिफिक ओशन है, अमेरिका का वेस्ट कोस्ट पैसिफिक ओशन से यहाँ मिलता है। हमारे इस तरफ लॉस एंजलिस है, उस तरफ यानी साउथ की तरफ सैन डिएगो है जिस तरफ हम जा रहे हैं। और शायद भाई मेरे पीछे, हमें अंदाजा नहीं था कि हमारे होटल के इतने करीब बीच है। ये तो हम जब गूगल मैप्स पे हमने लगाया तो पता चला कि बीच इतना करीब है। हम इस वक्त आ गए हैं लाहौला बीच पे और ये सैन डिएगो का नॉर्दर्न पार्ट है। लड़के आगे चले गए हैं, मैं थोड़ी सी पिक्चर्स इस लेंस से लूँगा, फिर मैं लेंस चेंज करके ज़रा परिंदों वगैरह की तस्वीरें लूँगा, तस्वीरें मतलब वीडियोस।
कोला बीच का टाइम ख़त्म हो गया है। काफ़ी अच्छे शॉट्स मिले, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, बहुत ही पुरसकून जगह है। और अब हम एक मस्जिद ढूंढने जा रहे हैं ताकि हम कुछ ऑथेंटिक फूड मिलता है मैक्सिकन, यहाँ पे ऑथेंटिक मैक्सिकन। तो बाकी बॉयज़ आगे जा रहे हैं, लड़के आगे निकल गए हैं। मैं या तो बहुत आगे आ गया हूँ या अभी भी पीछे हूँ, लेकिन मुझे इस वक्त पता नहीं है कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। हम ज़रा इसमें बिजी हो गए थे तो उस वजह से मैं गुम हो गया। बहरहाल समझ कुछ नहीं आ रही, लेकिन चल रही गाड़ी। किसी को पता नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो हम सर्च करते करते कुत्तों वाले पार्क में आ गए। यहाँ से हमें कोई और जगह देखनी है सैन डिएगो में एक्सप्लोर करने के लिए, एरिजोना जाएंगे ग्रैंड कैनियन की तरफ। लेकिन उस पर एक मसला है, ग्रैंड कैनियन के दो एंट्रेंसेज हैं और ग्रैंड कैनियन साथ में बहुत बड़ा है। अब एक एंट्रेंस बंद है, एक खुली है, तो अगर सदर्न एंट्रेंस बंद है तो मतलब हमें 2.5 से 3 घंटा नॉर्दर्न एंट्रेंस पहुँचने में लगेगा, और वो हम टाइम इतना वेस्ट करना नहीं चाहते। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। हमारे पास कोई ख़ास प्लान तो नहीं है, प्लान बनाना चाहिए था। तो जब भी आप लोग कैलिफोर्निया आए तो प्लान बना के आए क्या करना है, वरना हमारी तरह भटकते रहेंगे। जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे वो सैन डिएगो इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डिएगो है। उस मस्जिद में हमने एक ज़बरदस्त बात नोट की, वहाँ पर पार्किंग बनी हुई थी, मतलब शेडेड पार्किंग, ऊपर छत थी गाड़ियों की, और छत जो थी वो सोलर पैनल्स की थी। तो पूरी मस्जिद जो है वो सोलर पैनल से, आई थिंक पूरी मस्जिद सोलर पैनल पे रिलाई करती है। बहरहाल पूरी पार्किंग लॉट के ऊपर सोलर पैनल थे, नीचे गाड़ियाँ छाँव में खड़ी थी और ऊपर सोलर पैनल थे, तो बड़ा अच्छा लगा, इनोवेशन मस्जिदों में। अब ज़रा कुत्ते देख लें।
कॉफ़ी ढूंढ रहे हैं हम लोग, माइक नहीं है ऊपर का। एक बार फिर सेकंड टाइम, पहले दफा रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन दूसरी दफा शायद हो जाए। बैटरी ने साथ दिया। हाय 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 हाय।